सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम क्या चेक करने वाले हैं कि लाइन पॉइंट्स दिए गए हैं कुछ, ठीक है। सो उन पॉइंट्स को हमें बताना है कि वो पॉइंट्स हमारे कोलिनियर है कि नहीं है, ठीक है। तो कोलिनियर के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, हम क्या करेंगे कोलिनियर के लिए? सो कोलिनियर बताने के लिए हम लोग जस्ट ये रिप्रेजेंट करेंगे कि वो जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो सिंगल लाइन पे लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है। अगर जो पॉइंट्स दिए हमें वो पॉइंट सिंगल लाइन पे लाई कर रहे हैं, ठीक है, सबके सब पॉइंट्स एक सिंगल लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं कि वो पॉइंट्स जो है हमारे वो कोलिनियर है, ठीक है। और जब वो पॉइंट्स हमारे सिंगल लाइन पे लाई करेंगे तब कुछ कंडीशंस बनता है, ठीक है। उन कंडीशंस को हमें सेटिस्फाई करना है, तो कंडीशंस क्या होंगे, लेट्स सी, ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग। सो हमें तीन पॉइंट दिया है, तो ये तीनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, अपने एक सिंगल लाइन पे ले लेते हैं, ठीक है। कोलिनियर एक ही नहीं चेक करना है ना, तो हम पहले ले लेते हैं कि वो तीनों की तीनों लाइन क्या कर रहे हैं, एक सिंगल लाइन पे लाई। जब तीनों पॉइंट हमारे एक सिंगल लाइन पे लाई करेंगे तब कुछ ऐसा बनेगा कंडीशन हमारा, ठीक है। तो मान लो ये पहला पॉइंट है, उसको ए कंसिडर कर लिया मैंने, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है, 1 and 5, मैंने ऐसा क्वाड्रेंट कंसिडर कर लिया। एंड सेकंड की वैल्यू को मैंने बी कंसिडर कर लिया, बी का क्वाड्रेंट क्या है, 2 and 3, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, -2 and -11, ओके। सो ये तीनों पॉइंट को मैंने अपने एक लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया है। लाइन पे रिप्रेजेंट करने के बाद कुछ कंडीशंस बनेगी, वो कंडीशंस क्या होगी इसी के बारे में डिस्कस कर रहा था प्रीवियस। वो कंडीशंस हमारे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने इस लाइन पे, ठीक है। तो कंडीशंस क्या होंगे, यहाँ पे ए बी है, ए बी का डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे, बाद में बी सी का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, ओके। तो ए बी का डिस्टेंस और बी सी का डिस्टेंस कैलकुलेट करने के बाद, सेपरेटली कैलकुलेट करने के बाद बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए सी मिलेगा, ठीक है। तो ए सी मिलना ही चाहिए, अगर ए सी मिला है तो ये तीनों पॉइंट क्या करेंगे, एक ही लाइन पे लाई करेंगे। लाइक कंडीशंस क्या बनेंगे हमारे, ए बी प्लस बी सी, ए बी को और बी सी को अगर मैं ऐड करूंगा तो दोनों ऐड करने के बाद किसको इक्वल होना चाहिए, वो ए सी को इक्वल होने चाहिए। अगर इक्वल हो रहा है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, अदरवाइज कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। और कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया तो हमारे जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर नहीं होंगे, ओके। नाउ ए बी जो है हमारा, तो चलो ए बी डिस्टेंस निकालते हैं हम लोग। ए बी डिस्टेंस कैसे होगा, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट, कैसे निकालेंगे हम लोग, फॉर्मूला यूज करके, x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूले के हेल्प से हम लोग ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ए बी डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ए बी का जो ए पॉइंट है उसको हम x1 y1 कंसिडर करेंगे, और बी का जो पॉइंट है वो हम x2 और y2 कंसिडर करेंगे, और हम ए बी की वैल्यू निकालेंगे, सब वैल्यू पुट करके। x1 की वैल्यू 1 है, y1 की वैल्यू 5 है, x2 की वैल्यू 2 है, y2 की वैल्यू 3 है। ये तो ये जो चारों वैल्यूज है ये फॉर्मूले में हम पुट करेंगे और ए बी का आंसर निकालेंगे। जब ए बी का आंसर निकालोगे आप तो आपको आंसर मिलेगा √5, ठीक है। तो √5 आपको आंसर मिलेगा ए बी डिस्टेंस का। अब हम किसके तरफ बढ़ेंगे, बी सी की तरफ बढ़ेंगे, बी सी निकालेंगे, ठीक है। तो बी सी की वैल्यू अगेन सेम फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, x2 - x1 The whole square plus y2 - y1 the whole square, सब चीजें अंडर रूट में है, ये चीज याद रखना डिस्टेंस फॉर्मूला में, ठीक है। नाउ अब ये कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स को चेंज कर दो, क्योंकि हमारा डिस्टेंस क्या होगा, बीसी डिस्टेंस निकालना है। तो ये क्या हो गया हमारा, x1 y1 हो जाएगा ये हमारा, और ये सी क्या हो जाएगा हमारा, x2 सी हो जाएगा हमारा, x2 एंड y2 हो जाएगा, ठीक है। तो सी हमारा x2 y2 हो गया। तो बीसी के पॉइंट्स को लेके हम अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला में पुट करके डिस्टेंस निकालेंगे, हम दूसरा डिस्टेंस निकालेंगे, बीसी का डिस्टेंस निकालेंगे। तो BC का जब डिस्टेंस निकालेंगे हम लोग, तो x1 की वैल्यू 2 है, y1 की वैल्यू 3 है, x2 की वैल्यू -2 है, y2 की जो वैल्यू है वो -11 है। तो ये सब फॉर्मूले में पुट करेंगे हम लोग, और पुट करने के बाद जब सॉल्व करेंगे तो जो आंसर है हमारा वो मिलेगा √212, ठीक है। तो इस तरीके से हम AB सेपरेटली निकाल सकते हैं और BC हम सेपरेटली निकाल सकते हैं। तो AB और BC सेपरेटली निकालने के बाद, ठीक है, हम उनको ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद हम देखेंगे कि AC निकालने के बाद वो वैल्यू को इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे होगा, ठीक है। अभी तो समझ में नहीं आ रहा होगा, सॉल्व करूंगा तो होपफुली समझ में आ रहा है, ठीक है। तो AB निकाल लिया हमने और BC हमने कैलकुलेट कर लिया, फाइन। अब ये निकालने के बाद अब AC निकालो साथ में, अब AC निकाल के देखते हैं। तो जब AC निकालेंगे तो ये कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे, तो A का जो पॉइंट है वो x1 y1 बन जाएगा, और C का जो पॉइंट है वो x2 y2 बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, x2 और y2। तो चलो AC निकाल के देखते हैं। तो AC भी सेम फॉर्मूला यूज होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि AC एक डिस्टेंस है। तो चलो फॉर्मूला यूज करो, x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर, ठीक है। तो AC के लिए भी हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो ये फॉर्मूला यूज करने के बाद वैल्यूज पुट करो, a1 की वैल्यू 1 है, y1 की वैल्यू 5 है,
x2 की वैल्यू -2 है, y2 की वैल्यू -11 है, तो ये सब वैल्यू को इस फॉर्मूला में हम पुट अप कर देंगे, और पुट करके जब आंसर निकालेंगे हम लोग मतलब तुम लोग जब आंसर निकालोगे तो आंसर तुम्हें मिलेगा √265 मिलेगा, ठीक है। अब तीनों वैल्यू निकाल लिया हमने, ए बी निकाल लिया हमने तो हमें √5 मिला, अब बी सी निकाला, बी सी डिस्टेंस निकाला हमने तो बी सी डिस्टेंस हमें √212 मिला। ओके, नाउ जब ए सी डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं तो ए सी हमें √265 मिल रहा है, ठीक है। तो तीनों वैल्यू निकाला, तीनों डिस्टेंस निकाला, अब चेक करते हैं कि ये कोलिनियर का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। कंडीशन सेटिस्फाई किया, ये कंडीशन सेटिस्फाई किया तो ये कोलिनियर है, अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया तो कोलिनियर नहीं है, ठीक है। तो AC क्या है हमारा √265 है, तो अब AB और BC को ऐड करने के बाद भी यही वैल्यू मिलनी चाहिए तभी वो AC को इक्वल होगा, तो ठीक है चलो निकाल के देखते हैं। AB प्लस BC, ठीक है, AB प्लस BC क्या आएगा, AB की वैल्यू क्या है हमारी, AB के जगह पे हम √5 पुट करेंगे, प्लस BC के लिए भी क्या पुट करेंगे हम लोग √212 पुट करेंगे, ठीक है। अब दोनों ये वैल्यू मिली, अब ये दोनों तो आगे ऐड हो नहीं सकता, यहाँ पे लेफ्ट कर देंगे उसको हम लोग, तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, ए बी प्लस बी सी हमें √5 प्लस √212 मिला, लेकिन ए सी की जो वैल्यू है वो √265 मिली, ठीक है। सो ये दो वैल्यू मिली तो ये दोनों इक्वल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सो ए सी इज नॉट इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, सो जो अबाउ कंडीशन हमने लिया था कोलिनियर के लिए, कोलिनियर के लिए कंडीशन था, कोलिनियर लाइन्स के लिए क्या था, ये कंडीशन था, कोलिनियर कंडीशन था ये, ठीक है, कोलिनियर लाइन के लिए कंडीशन था, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो हमारा लाइन पर पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे, तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया यहाँ पे, देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, ठीक है, इसीलिए जो हमारे गिवन पॉइंट्स है वो कोलिनियर नहीं होते हमारे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, क्योंकि अगर पॉइंट्स एक लाइन में लाए करेंगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होना ही होना है, मतलब ये पॉइंट्स एक लाइन में लाए नहीं करने चाहिए, नहीं कर रहे, ठीक है, इसीलिए ये कोलिनियर फॉर्मेशन नहीं दे रहे, लाइंस पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर हियर इन दिस केस, फाइन। सो होपफुली सबको समझ में आया होगा कि लाइन कोलिनियर कैसे होता है, अगर इसका सोल्यूशन चाहिए काइंडली कॉन्टेक्ट मी, इसके सोल्यूशन भी दे दूंगा, ठीक है।